नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, शाम से समय की सकारात्मकता तेजी से बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं, व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे। खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है, आवश्यक निवेश पर ध्यान देंगे। दूर देश के मामलों में रुचि रहेगी। वृषभ राशि, आवश्यक कार्य को शाम तक पूरा करने का प्रयास करें। पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा। करियर व्यापार में सक्रियता रखेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। तैयारी से आगे बढ़ेंगे, बहुमुखी प्रदर्शन बना रहेगा। मिथुन राशि, निसंकोच आगे बढ़ते रहने का समय है यह। प्रबंधन प्रशासन संबंधी नवीन शुरुआत कर सकते हैं। अवसरों को भुनाएंगे, आर्थिक लक्ष्यों को भी साधने में सफल होंगे आप। इच्छित उपलब्धियों को प्राप्त करें, प्रतिभा सवार पाएंगे और लक्ष्यों को पूरा करेंगे। कर्क राशि, चारों ओर से उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे। आस्था विश्वास से भी भाग्य बल बन पाएगा। योजनागत विषयों पर जोर देना है और लोगों से तालमेल बढ़ेगा। मित्रों और सहकर्मियों का साथ मिलता रहेगा। वरिष्ठों से भेंट प्राप्ति हो सकती है। सिंह राशि, आवश्यक कार्य को शाम से गति देने की तैयारी है। आस्था विश्वास के विषय सवरते दिख रहे हैं और अप्रत्याशित घटनाक्रम बनता रहेगा। विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचना है। सजगता से कार्य पूरे होंगे, नीति धर्म का पालन करना है। कन्या राशि, नेतृत्व बेहतर बना रहेगा। प्रबंधन प्रशासन सहयोगी होगा। पैतृक पक्ष से लाभ मिलता दिख रहा और सक्रियता और साहस बनाए रखना है। साझेदारी के मध्य समन्वय बनाए रखें, कामकाजी मामलों में उत्साह रखेंगे। तुला राशि, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, संतुलित ढंग से बात करें। शाम से वातावरण अधिक अनुकूल होता नजर आ रहा है। स्वयं पर ध्यान देने की जरूरत है और स्वास्थ्य के प्रति सजगता भी बनाए रखें। सहकर्मियों का सहयोग मिल रहा है, मेहनत लगन से आगे बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि, अति महत्व के कार्यों में शीघ्रता दिखानी होगी। शाम के समय प्रभावित यह समय हो सकता है, कार्य भी प्रभावित हो गया। व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहना है, परस्पर विश्वास बढ़ता रहेगा और चारों ओर से आनंद का वातावरण रहेगा। धनु राशि, घर परिवार के कार्य में रुचि बढ़ती दिख रही है। अपनों का समय आपको मिलेगा और आप भी समय देना चाहेंगे। सुख सुविधाओं पर जोर बनाते हुए आसार हैं, निजता को बढ़ावा देना है। मित्रों का साथ विश्वास भी बढ़ता दिख रहा है। पारिवारिक विषयों में सक्रियता दिखेगी, जिससे निजी कार्यों पर फोकस रहेगा। मकर राशि, शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे। संपर्क का दायरा भी बढ़ रहा है। नए लोगों से मेलजोल में सहजता बनी रहेगी। जन कल्याण के कार्यों पर ध्यान रहेगा। सामाजिक जिम्मेदारियों में आगे रहने की वजह से बंधुत्व भाव भी बढ़ रहे हैं। रक्त संबंधियों का सहयोग करेंगे। कुंभ राशि, कामकाज के सिलसिले में यात्रा की संभावना है। पेशेवरों में तालमेल बढ़ेगा। संपर्क संवाद सवरता दिख रहा और शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। घर में उत्सव आनंद बना रहेगा। व्यक्तिगत मामले गति लेंगे और इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। मीन राशि, रचनात्मक कार्यों में आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। सभ्यता संस्कार बढ़ेंगे और विविध प्रयासों को गति देंगे। योजनाएं जो है आगे बढ़ती नजर आ रही हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। साहस पराक्रम से आगे बढ़ें, विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने में आपकी आज सहजता रहेगी और शुभता का संचार रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, यह संभव है। गणित के अंकों से आप भी जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता, किससे आपकी शत्रुता होगी और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र के जरिए जानते हैं कि आज का दिन आपका कैसा भाग्य रहेगा। मूलांकिक, 1, 10, 19 व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं और आज का दिन आपके लिए भाग्यवर्धक भी बने रहेंगे। सोचे हुए सभी काम आज पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। उपाय के तौर पर गुड़ मंदिर में दान कर सकते हैं। मूलांक 2, 2, 11 और 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव कर रहे हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के काम से उनके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे और उनके निर्णयों की सराहना करते दिखेंगे। संपत्ति से जुड़े उलझे मामले जो हैं आज आपके पक्ष में आएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय में दूध में हल्दी डालकर पीने की आदत डालें, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मूलांक 3, 3, 12, 21 और 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं और आज अचानक कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसके सकारात्मक परिणाम घर के सभी सदस्यों को मिलेंगे। धार्मिक कार्यों के करने से
मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। निवेशों के पहलुओं को घर के अनुभवी सदस्यों से साझा करें। उपाय के तौर पर केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 4, 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज साझेदारी में व्यापार करने से हानि उठानी पड़ सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन कुछ परेशानियों भरा हो सकता है। किसी जरूरी काम को पूरा करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। उपाय, नीले वस्त्रों का दान करें। मूलांक 5, 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। रुका हुआ धन आज उनका वापस मिलने की पूरी संभावना। कुछ दिनों से कारोबार में चल रही समस्या का भी समाधान निकल पाने में सक्षमता रहेगी और बहुत दिनों से रुके हुए कामों को आज गति मिलेगी। उपाय भी कर सकते हैं कि घर में चौड़े पत्ते वाले पौधों को स्थान देना है। मूलांक 6, 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव कर रहे हैं। घर की साज सज्जा में पैसा व्यय करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनहीनता के कारण कार्रवाई हो सकती है, सावधानी बरतनी है। उपाय के तौर पर आप जो उपाय कर सकते हैं उसमें देसी घी मंदिर में दान करना है। मूलांक 7, 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र में आज आपका प्रदर्शन हमेशा से बेहतर होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं। व्यवसाय में भी कुछ बदलाव के बारे में विचार कर सकते हैं। सफलता मिलती दिख रही है। उपाय, कुत्तों को रोटी खाने की आदत डालें। मूलांक 8, 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनिदेव स्वयं कर रहे हैं और नौकरी में सहकर्मी आज आपसे कुछ असंतुष्ट हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी। मेहनत के बावजूद भी परिणाम अनुकूल नहीं मिलेगा, जिससे मन उदास हो सकता है, तनाव भरा माहौल बन सकता है। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मूलांक 9, 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव कर रहे हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा में उनकी मेहनत के अनुसार परिणाम देने के लिए वो प्रशस्त हैं और कार्य क्षेत्र में भी अपनी चतुराई से सभी जटिल कामों को आज निपटाने में आपको सफलता मिलेगी। घर पर अतिथि आने से प्रसन्नता का माहौल रहेगा। उपाय करना है कुछ मीठा दान करके। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 10, 2023 मंगलवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जानते हैं। सूर्योदय सुबह 6:25 पर, सूर्यास्त शाम 6:02 पर, चंद्रोदय 10 अक्टूबर रात 2:27 पर एवं चंद्रास्त होगा 10 अक्टूबर दोपहर 3:51 पर। तिथि कृष्ण पक्ष एकादशी 9 अक्टूबर दोपहर 12:37 से 10 अक्टूबर दोपहर 3:09 तक। कृष्ण पक्ष द्वादशी 10 अक्टूबर दोपहर 3:09 से 11 अक्टूबर शाम 5:37 तक। नक्षत्र मघा 10 अक्टूबर सुबह 5:45 से 11 अक्टूबर सुबह 8:45 तक। करण बालव 10 अक्टूबर रात 1:52 से 10 अक्टूबर दोपहर 3:09 तक। कौलव 10 अक्टूबर दोपहर 3:09 से 11 अक्टूबर सुबह 4:24 तक। तैतिल 11 अक्टूबर सुबह 4:24 से 11 अक्टूबर शाम 5:37 तक। योग साध्य 9 अक्टूबर सुबह 6:50 से 10 अक्टूबर सुबह 7:46 तक। शुभ 10 अक्टूबर सुबह 7:46 से 11 अक्टूबर सुबह 8:42 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:08 से शाम 4:35 तक। यमगण सुबह 9:19 से सुबह 10:46 तक। कुलिक दोपहर 12:13 से दोपहर 1:40 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:44 से सुबह 9:31 तक एवं दोपहर 10:59 से रात 11:49 तक। वर्ज्यम शाम 7:15 से रात 9:03 तक। शुभकाल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:37 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से
पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा चना, गुड़, शिपर और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर। इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभया रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर। यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंग बली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर दो कुंड है जो हमेशा भरे रहते हैं, उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है।
हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है, घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस बल पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु रक्षा मुकदमा परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें समस्याएं व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदय धिक्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दरपहा महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है।
इसके पार से बुरे शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है। आज बस इतना ही, कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के सातों दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।